आई एम डॉक्टर राजीव गुप्ता. आई एम टेकिंग अ लेक्चर सीरीज रिलेटेड टू पेपर सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सटर्नल पेपर्स ऑफ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी. इट इज़ द ईयर 2018 पेपर. द सब्जेक्ट कोड ऑफ दिस पेपर इज PS01 CCHE 22. सम क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस लेक्चर. नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम फिडलक्राफ्ट रिएक्शन. From Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation reactions, which reaction will you prefer to synthesize ethyl benzene from benzene and why? Means Friedel-Crafts aromatic electrophilic substitution reactions दो टाइप की हैं, एक alkylation और दूसरा acylation. इन दोनों reactions में से हम कौन सी reaction है उसको preference देंगे और क्यों? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, उसका आंसर ये होगा कि हम इसमें Friedel-Crafts एसाइलेशन रिएक्शन को प्रेफरेंस देंगे. ओके, अब क्यों प्रेफरेंस देंगे? क्योंकि Friedel-Crafts एल्काइलेशन रिएक्शन के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जो ड्रॉबैक्स यहाँ पर बताए गए हैं. तो एक जो मेजर ड्रॉबैक है वो यहाँ पर आएगा कि Friedel-Crafts एल्काइलेशन में जब हम डायरेक्टली एल्काइलेशन करते हैं तो एल्काइलेशन में हमको पॉली सब्स्टिट्यूशन मिलता है, यानी पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है. जैसा कि इसमें एग्जांपल दिया गया है कि हमको बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड से इथाइल बेंजीन प्रिपेयर करना है. तो इथाइल बेंजीन प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर जो रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ क्लोरोइथेन एंड AlCl3. यहाँ AlCl3 जो लुइस एसिड जैसा काम करेगा, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, कार्बोकैटायन जनरेट करेगा. तो AlCl3 यहाँ से Cl- को कैप्चर कर लेगा और CH3CH2+, दैट इज इथाइल कार्बोकैटायन यहाँ पर जनरेट होगा. ये इथाइल कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देगा और हमको इथाइल बेंजीन प्राप्त होगा. लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जो एल्काइलेटेड बेंजीन होते हैं, यानी मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो ये एल्काइल बेंजीन्स होते हैं वो नॉर्मल बेंजीन से या प्योर बेंजीन से ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स किसके लिए? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए. मीन्स हम यह क्या कह सकते हैं कि इथाइल बेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स दिस रिएक्शन, दिस Friedel-Crafts रिएक्शन कंपेयर टू बेंजीन. इट इज़ मोर रिएक्टिव कम्पेयर टू बेंजीन. सो इथाइल बेंजीन जो है वो फर्दर दूसरे नए मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके पॉली एल्काइलेशन दे सकता है, यानी कि यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर फर्दर इथाइल ग्रुप का एडिशन हो सकता है. सो एक सिंगल सबस्ट्रेट में, एक सिंगल बेंजीन रिंग में एक से ज़्यादा इथाइल ग्रुप्स का एडिशन हो सकता है. तो हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, इस तरह से प्रोडक्ट्स प्राप्त हो सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स का मिक्सचर प्राप्त होगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ओनली एंड ओनली इथाइल बेंजीन का ही फॉर्मेशन करना है. तो एल्काइलेशन प्रोसेस इज नॉट अ बेटर ऑप्शन. तो यहाँ पर हम एसाइलेशन रिएक्शन को चूज करते हैं. तो व्हाई वी यूज एसाइलेशन रिएक्शन? इन Friedel-Crafts एसाइलेशन नो पॉली सब्स्टिट्यूशन इज सीन. यहाँ पर पॉली सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी एकदम नेग्लिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम एसाइल ग्रुप का एडिशन करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर. अब एसाइल ग्रुप क्या है? दैट इज अ कार्बोनाइल ग्रुप, दैट कंटेन्स अ कार्बोनाइल ग्रुप. दिस इज एसाइल ग्रुप. ये एसाइल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ में अटैच किया जाता है Friedel-Crafts एसाइलेशन में. और आपको पता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नेचर के कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है. तो ये बेंजीन रिंग एक्चुअल में डीएक्टिवेट हो जाता है. किसके कंपेयर में? बेंजीन रिंग के कंपेयर में भी ये ज़्यादा डीएक्टिवेट हो जाता है. तो डीएक्टिवेट होने से ये फर्दर इस पर एसाइलेशन नहीं हो सकता, एसाइलेशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नगण्य हो जाती है. ओके, तो ये प्रोसेस भी AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, जिसमें एसिटिल क्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं. एसिटिल क्लोराइड में से जो क्लोराइड है उसको AlCl3 जो है वो कैप्चर कर लेगा और AlCl4- प्रिपेयर कर लेगा.
उसके बाद में जो एसाइल आयन है, एसाइलिनियम आयन, दैट इज सी एच थ्री सी ओ प्लस, दिस एसाइलिनियम आयन, दिस एसाइलिनियम आयन इज वेरी वेरी स्टेबल आयन, वेरी वेरी स्टेबल कार्बोकटायन ड्यू टू इट्स टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर जो लॉन पेयर प्रेजेंट है वो यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, डीलोकलाइज होंगे, और ये प्लस चार्ज जो है वो ऑक्सीजन एटम पे आ जाएगा. इस तरह से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल है, और ये एसाइलिनियम आयन जो है वो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है. तो इस कार्बोकैटायन में फिर फर्दर कोई रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है. ओके, इसमें कोई रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है जो कि एल्काइलेशन में पॉसिबल हो सकता है. तो अब ये जो एसाइलियम आयन है वो जो है इस पर अटैक करके हमको ये प्रोडक्ट देता है, दैट इज कौन सा प्रोडक्ट होगा, दिस इज बेंजोफिनॉन, सॉरी एसिटोफिनॉन. अब एसिटोफिनॉन जैसा मैंने बताया कार्बोनाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा. डीएक्टिवेट होने से इस बेंजीन रिंग पर फर्दर पॉली एसाइलेशन पॉसिबल नहीं होगा. नाउ ये फर्स्ट स्टेप में हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में इसका रिडक्शन कर लेते हैं. ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन, बोल्टकिशन रिडक्शन, ऐसे कई रिडक्शन हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप में या CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं. तो फाइनली हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, PHCH2CH3, दैट इज इथाइल बेंजीन. तो इथाइल बेंजीन पूरी तरह से हमको प्योर फॉर्म में मिलेगा, इसमें कोई भी प्रोडक्ट्स का मिक्सचर नहीं मिलेगा. तो पूरी तरह से प्योर फॉर्म में 100% हमको इथाइल बेंजीन प्राप्त होगा, यहाँ पे कोई भी पॉली एल्काइलेशन नहीं मिलेगा. तो इसीलिए जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन प्रोसेस है उसको यूज़ किया जाता है बेंजीन से इथाइल बेंजीन प्रिपेयर करने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसाइड टॉपिसिटी ऑफ मिथाइलिन हाइड्रोजन एटम्स इन एन ब्यूटेन बाय सिमेट्री ऑपरेशंस. तो हमको यहाँ पे ये स्टीरियो का क्वेश्चन है, स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पर हमको नॉर्मल ब्यूटेन में जो मिथिलीन हाइड्रोजन एटम्स हैं, टोटल चार मिथिलीन हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं नॉर्मल ब्यूटेन में, टोटल चार मिथिलीन हाइड्रोजन एटम्स, उन चारों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में हमको टॉपिक रिलेशन फाइंड आउट करना है. अब टॉपिक रिलेशन हमने देख चुके हैं कि तीन टाइप के होते हैं, होमोटॉपिक, एनेंशियोटॉपिक और डायस्टेरियोटॉपिक. तो इन तीनों टाइप के टॉपिक रिलेशन में से कौन कौन से रिलेशन इसमें प्रेजेंट होंगे वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो भी सिमेट्री क्राइटेरिया यूज़ करते हुए, सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हुए. तो इसके अंदर हम देखेंगे टॉपिसिटी. तो टॉपिसिटी हमको किन्हीं भी दो लिगेंड्स के बीच में चेक करना होता है. यहाँ पर टोटल चार लिगेंड्स हैं, उन चारों लिगेंड्स को हम HA, HB, HC और HD, क्योंकि चार मिथिलीन हाइड्रोजन्स हैं तो यानी चार हमारे पास लिगेंड्स हो गए, उन चारों लिगेंड्स के बीच में हमको टॉपिक रिलेशन देखना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे, यानी मॉलिक्यूल में एक एक्सिस चूज करेंगे, एक वो एक्सिस चूज करेंगे जिसमें 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद जो दोनों लिगेंड्स हैं वो दोनों लिगेंड्स एक दूसरे की जगह आ जाएं, यानी एक दूसरे को रिप्लेस कर दें, और मॉलिक्यूल आपको अगर आइडेंटिकल दिखाई दे, यानी एकदम इक्विवेलेंट दिखाई दे, पहले जैसा ही सेम दिखाई दे, तो आप क्या कहेंगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाइड. अगर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, द बोथ लिगेंड्स या बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर होमोटॉपिक. इसकी बजाय अगर C2 अप्लाई नहीं होता, मींस नॉट अप्लाइड, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर हेटरोटॉपिक. अब हेटरोटॉपिक के अंदर भी हमको क्या चेक करना होता है कि ये एनेंशियोटॉपिक हैं या फिर डायस्टेरियोटॉपिक हैं. अगर इसमें चेक करना है हमको सिमेट्रिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर चेक करना होता है. वी हैव टू अप्लाई अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, वी हैव टू चेक दैट प्लेन विच मेक्स मिरर इमेज ऑफ दैट टू लिगेंड्स, जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स या दोनों लिगेंड्स को मिरर इमेज बनाए, और बाकी जो रिमेनिंग पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है वो भी मिरर इमेज बने आपस में, हाफ हाफ पार्ट्स आपस में मिरर इमेज बने, तो हम कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ पे प्रेजेंट है. तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हम अप्लाई करते हैं और वो अप्लाई हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों की दोनों लिगेंड्स, दोनों की दोनों हाइड्रोजन एटम्स एनेंशियोटॉपिक हैं, और अगर वो अप्लाई नहीं होता, नॉट अप्लाइड, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर डायस्टीरियोटॉपिक.
तो अब हम चेक कर लेते हैं कि मिथिलीन हाइड्रोजन्स नॉर्मल ब्यूटेन में क्या रिलेशन दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो मिथिलीन हाइड्रोजन्स हैं दैट आर एच ए एंड एच बी, दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ दिस नॉर्मल ब्यूटेन। फिशर प्रोजेक्शन है, इसमें टोटल चार मिथिलीन हाइड्रोजन एटम्स हैं। पहले दो मिथिलीन हाइड्रोजन एटम्स कौन से लिए हैं, एच ए एंड एच बी। अब एच और एच बी को हम पहले रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, टॉपिक रिलेशन। तो सबसे पहले आप 180 डिग्री रोटेशन करो, कैसा भी आप एक्सिस चूज कर सकते हो, पर हम किसी भी तरह से 180 डिग्री रोटेशन करके एच और एच बी को एक दूसरे की जगह नहीं ला सकते। ओके, हम किसी भी तरह से ऐसा पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। मीन्स क्या होगा कि एच और एच बी कभी भी होमोटॉपिक नहीं हो सकते इस केस में। तो उसके बाद में हमको कहाँ जाना है, हेटरोटॉपिक में। हेटरोटॉपिक में अब हम क्या अप्लाई करके देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए यहाँ पर ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो रहा है। ओके, जहाँ पर एच ए और एच बी दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहे हैं, और बाकी जो एंटायर मॉलिक्यूल है, बाकी बचा हुआ जो मॉलिक्यूल है, वो भी आपस में हाफ हाफ पार्ट हो रहा है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो रहा है, मतलब एच ए एंड एच बी आर एनेंशियोटॉपिक। ओके, यहाँ पर एच ए और एच बी जो हैं वो क्या होंगे, एनेंशियोटॉपिक। दीज विल हैव एनेंशियोटॉपिक रिलेशन। इसी प्रकार से हम एच सी और एच डी में भी चेक कर सकते हैं कि एच सी और एच डी में क्या होगा, सेम वही कंसेप्ट अप्लाई होगा जो हमने एच ए और एच बी में अप्लाई किया, क्योंकि एच सी और एच डी भी आपस में क्या कहलाएंगे, मिथिलीन हाइड्रोजन्स, ये भी मिथिलीन हाइड्रोजन्स हैं। पर यहाँ ध्यान दीजिए कि एच ए और एच सी जो है वो मिथिलीन हाइड्रोजन्स नहीं है, दीज आर डिफरेंट। तो एच सी और एच डी के अगर आप रिलेशन देखोगे तो एच सी और एच डी भी यहाँ पर एनेंशियोटॉपिक ही मिलेंगे, जहाँ पर हमको सी टू सिमेट्री अप्लाई नहीं होगा लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई पोजिशन ऑफ टू सब्सिट्यूएंट्स कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड इन फिशर प्रोजेक्शन ऑफ एल प्लस लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का एक एनेंशियोमर दिया गया है यहाँ पर, प्लस एनेंशियोमर, दैट इज एल एनेंशियोमर। इस लैक्टिक एसिड के इस एनेंशियोमर का एग्जाम्पल देते हुए हमको बताना है कि इसके ऊपर प्रेजेंट जो दो सब्सिट्यूएंट्स हैं, यानी हम कह सकते हैं कि किरल सेंटर के ऊपर प्रेजेंट, किरल सेंटर से जुड़े हुए जो दो सब्सिट्यूएंट्स हैं उसको हम इंटरचेंज क्यों नहीं कर सकते, मीन्स दैट इंटरचेंज इज नॉट अलाउड। अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो वो मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाएगा, मतलब उसका दूसरा स्टीरियो आइसोमर या उसका एनेंशियोमेरिक फॉर्म वहाँ पर रेडी हो जाएगा। यानी हम मॉलिक्यूल के एनेंशियोमर के साथ डील करने लग जाएंगे, यानी कि हमको कोई भी दो सब्सिट्यूएंट्स को इंटरचेंज नहीं करना है। अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो हम मॉलिक्यूल को चेंज कर दे रहे हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल जिसमें जस्ट जो किरल सेंटर से जुड़े हुए जो चारों ग्रुप्स हैं उसको 1, 2, 3, 4 से दिखाया गया है। ओके, अब हम किन्हीं भी दो ग्रुप्स को लेकर इंटरचेंज करते हैं। अगर हम पहला फर्स्ट इंटरचेंज करते हैं तो उस इंटरचेंज के अंदर हमको बी मिलेगा। उसके बाद कोई भी दो ग्रुप्स को लेके अगेन इंटरचेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड इंटरचेंज, तो हमको सी मिलता है। उसके बाद सी के अंदर फिर कोई दो ग्रुप्स को लेकर हम इंटरचेंज करते हैं तो डी मिलेगा। इसी तरह से हम मूव करते हुए आगे जाएंगे और डी के अंदर फिर हम कोई दो ग्रुप्स को लेकर इंटरचेंज करते हैं तो ई मिलेगा। अगर हम इन सभी के बीच में हम रिलेशन देखें, इन सभी हाइपोथेटिकल कंपाउंड्स के बीच में, फिशर प्रोजेक्शंस के बीच में अगर हम कंपेरिजन करें, तो ए और बी, देखिए ए और बी आपस में क्या होंगे, एनिशोमर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम कोई भी दो सब्सिट्यूएंट्स को इंटरचेंज करते हैं एक बार, फर्स्ट टाइम एक बार इंटरचेंज करते हैं, तो हम एक्चुअल में ए कंपाउंड की स्टीरियो को चेंज कर रहे हैं। चेंज करने पर उसका क्या मिल रहा है, हमको एनिशोमर मिल रहा है। तो ये इंटरचेंज जो है वो अलाउ नहीं होता, वी कैन नॉट इंटरचेंज। ओके, इसी तरह से अगर हम सेकेंड टाइम फिर इंटरचेंज करें तो हमको सी मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ए और सी अब क्या होंगे, आइडेंटिकल या होमोमर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट इंटरचेंज इज नॉट अलाउड बट सेकेंड इंटरचेंज इज अलाउड। नाउ थर्ड इंटरचेंज इज नॉट अलाउड बट फोर्थ इंटरचेंज इज अलाउड, मीन्स ऑड नंबर इंटरचेंजेस आर नॉट अलाउड,
बट इवन नंबर इंटरचेंजेस आर अलाउड। तो इस तरह से हम आइडेंटिकल और एनिशियोमर्स के साथ में डील करते हैं। तो जनरली एक बार किन्हीं भी दो सब्सिट्यूएंट्स को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। अब हम एल प्लस लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लेकर इसको देख लेते हैं। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ एल प्लस लैक्टिक एसिड, या फिर अगर हम इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में बताएं तो दिस इज एस टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, एस टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो जिसमें जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है थ्री मेंबर, उसको हमने वर्टिकल लाइन पे रखा है और सब्स्टिट्यूएंट्स को हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाया है। अब इसके बाद में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, हाइड्रोजन एटम को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो हमको ये एनेंशियोमर इसका मिलेगा। मतलब एस कन्वर्ट्स इंटू आर, दिस कंटेन्स एस कॉन्फिग्रेशन एंड इट हैज़ आर कॉन्फिग्रेशन। मीन्स जब हमने इंटरचेंज किया दो सब्स्टिट्यूएंट को लेकर, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड दिस हाइड्रोजन एटम, इन दो सब्स्टिट्यूएंट्स को लेकर इंटरचेंज किया, तो हम ने एक्चुअल में मॉलिक्यूल को चेंज कर दिया, उसकी स्टीरियो को चेंज कर दिया। तो S कन्वर्ट्स इनटू R, S जो है वो R में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो दिस इज एक्चुअली नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। तो फिशर प्रोजेक्शन में जनरली हम ऑड नंबर में इंटरचेंज नहीं कर सकते, या किन्हीं भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स को ऑड नंबर में इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एज सजेस्टेड। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है, असाइन कॉन्फिगरेशनल सिंबल टू द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो इसमें एक तो ये वाला मॉलिक्यूल दिया गया है, पहला मॉलिक्यूल, और एक दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला दिया गया है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए हमें कॉन्फिगरेशनल सिंबल असाइन करना है, यानी कि किरैलिटी डिस्क्रिप्टर असाइन करना है, ठीक है ना। यानी कि हमको आर एस कॉन्फिगरेशन बताना है, आर एस एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन इनके लिए बताना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये किस टाइप की किरैलिटी रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, हमको पता है कि हम चार तरह की किरैलिटी हम देखते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल चार कारणों से, चार रीजंस के कारण किरैल हो सकता है। पहला रीज़न है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किरैल सेंटर। तो हमारे पास चार तरह से किरैलिटी आती है, देखते हैं हम चार तरह से कि या तो किरैल सेंटर प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल किरैल हो सकता है, या फिर किसी मॉलिक्यूल में किरैल एक्सिस हो सकता है, किसी मॉलिक्यूल में किरैल प्लेन हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल हेलिकल नेचर रख सकता है। तो इन चार रीजंस के कारण किसी भी मॉलिक्यूल में किरैलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर जो ये एग्जांपल दिया गया है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ किरैल एक्सिस। यहाँ पर देखिए, ये जो एक्सिस है दैट इज़ कॉल्ड किरैल एक्सिस, और जिसकी प्रेजेंस के कारण ये मॉलिक्यूल जो है वो किरैल है। इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ पॉलीस्पायरो कंपाउंड, पॉलीस्पायरेंस, जहाँ पर कई साइक्लो एल्केन रिंग्स जो हैं वो आपस में अटैच होती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में दो साइक्लो एल्केन रिंग, दो साइक्लो ब्यूटेन रिंग आपस में डायरेक्टली अटैच्ड हैं, और इसमें यहाँ दोनों तरफ जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। तो इस मॉलिक्यूल में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और ये एक तरह का इलॉन्गेटेड टेट्राहेड्रल जैसा काम करता है, और ये जो एक्सिस है वो किरैल एक्सिस कहलाता है। अब किरैल एक्सिस के लिए हम कैसे असाइनमेंट देते हैं, कैसे हम कॉन्फिगरेशनल सिंबल देते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं स्टीरियो के अंदर। उन रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल को, जो कि अभी इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इसको ऐसे वर्टिकल पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में रख देते हैं, यानी कि ये जो बेस डैश पोर्शन है इसको हम यहाँ डाउन साइड ले आएंगे, और ये जो पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा। तो जो प्लेनर पोर्शन है, ठीक है ना, ये मिथाइल और हाइड्रोजन ग्रुप जो हैं वो एक प्लेन में है, और ये मिथाइल और हाइड्रोजन जो हैं वो वेज और डैश पर प्रेजेंट है। जो प्लेनर पोर्शन है उसको हमने ऊपर की तरफ रख लिया, और जो वेज डैश वाला पोर्शन है उसको हमने डाउन साइड में रख दिया। ओके, अब सीधे सीधे हम यहाँ पर एक प्लस का साइन ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस प्लस साइन, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम जो प्लेनर के अंदर सब्स्टिट्यूएंट से उनको रख देते हैं, दिस मिथाइल ग्रुप जो कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं,
हाइड्रोजन एटम इस प्लेन में राइट हैंड साइड में है, इसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर राइट हैंड साइड पे रख देते हैं। फिर जो वेज पोर्शन है उसको यहाँ ऊपर की तरफ दिखाया जाता है और डैश पोर्शन को यहाँ नीचे की तरफ दिखाया जाता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि हमने जो ये प्लस साइन बनाया है ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट फिशर प्रोजेक्शन, दिस इज़ अ मेथड टू सॉल्व दी टू फाइंड आउट कॉन्फिग्रेशन सिंबल ऑफ दिस किरियल एक्सिस। ओके, अब वेज पोर्शन पे क्या रख देना है हमको, ये वाला मिथाइल ग्रुप, और डैश पोर्शन पे क्या रख देना है, ये डैश पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम। इसके बाद में हमको सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले वेज डैश पोर्शन को हम नंबरिंग देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो मिथाइल ग्रुप जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी प्राप्त करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम सेकेंड। जब वेज डैश पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे आएंगे। हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे मिथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो इसको हम नंबर 3 देंगे और हाइड्रोजन को नंबर 4 देंगे। उसके बाद में किरैलिटी रूल के हिसाब से वही हम आर्क फॉर्मेशन करेंगे, 1 2 2 एंड 2 2 3, यानी 1 से आपको 2 पे जाना है, पहले 1 से 2 पे जाएंगे और 2 से 3 पे जाएंगे। 1 से 2, 2 से 3 जाने पे आपको कैसा रोटेशन दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स दिस किरैल एक्सिस कंटेन्स आर कॉन्फिग्रेशनल सिंबल, तो इसके लिए जो कॉन्फिग्रेशन सिंबल है वो आर आएगा। ओके, नाउ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर आई विल डिस्कस इन लेटर सेक्शंस इन लेटर पार्ट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।